नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। दुनिया आज भारत की मोदी सरकार की सूझबूझ और कूटनीति का लोहा मानती है। जिस तरह से भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अकेले दम पर चीन की पूरी दुनिया में घेराबंदी की है, उससे विश्व ही नहीं बल्कि ड्रैगन के भी होश उड़े हुए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना डटकर उसका मुकाबला कर सकता है। इससे साबित होता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब दुनिया का हर देश भारत के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसका ताजा उदाहरण मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद ने पेश किया है। पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि उनका देश भारत को छोड़ किसी अन्य देश की तलाश में है जहां भारत के भगोड़े नायक को भेजा जा सके, लेकिन कोई भी देश उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। अब यहां दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आखिर मलेशिया जाकिर नायक को अपने देश से बाहर क्यों निकालना चाहता है, और दूसरा ये कि कोई भी देश उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि जाकिर नायक के जहर से मलेशिया आजीज आ चुका है, और दूसरी बात यह है कि कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ जाकर उसने बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेला है। अब वो किसी तरह से नायक को देश से बाहर निकाल फेंकना चाहता है। अब दूसरा सवाल यह है कि जाकिर नायक को कोई भी देश अपने यहां शरण क्यों नहीं दे रहा है। तो आपको बता दूं कि भारत की शक्ति और कूटनीति की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, लिहाजा कोई भी देश जाकिर नायक जैसे आतंकी उपदेशक को अपने यहां शरण देकर भारत से पंगा लेना नहीं चाहता है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और घृणा फैलाने वाले भाषणों से चरमपंथ को उकसाने वाले आरोपी कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक नायक की भारतीय अधिकारियों को तलाश है। बता दें कि जाकिर नायक 2016 में भारत से भाग गया था, बाद में वो मुस्लिम बहुल मलेशिया चला गया जहां उसे स्थायी निवास की सुविधा दी गई थी। उस समय महातिर प्रधानमंत्री थे। महातिर एक समय में दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक पीएम की कुर्सी पर रहने वाले नेता हैं। फिलहाल वो सत्ता में वापसी करने की कोशिश में है। मलेशियाई समाचार चैनल से बातचीत में महातिर ने कहा है कि वो अभी यहां रह सकता है, लेकिन हम उसे किसी अन्य देश में भेजना चाहेंगे जहां वो सुरक्षित रहे, लेकिन कोई भी देश उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये पूछे जाने पर कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वो नायक को प्रत्यर्पित करेंगे, महातिर ने कहा कि हम उसे किसी भी ऐसे देश में भेजना चाहेंगे जहां हमें लगता है कि वो सुरक्षित रहेगा। उन्होंने एक बार फिर नायक को भारत भेजने से इनकार करते हुए कहा है कि समय हमें लगता है कि वो भारतीय जनता से सुरक्षित नहीं रहेगा। दरअसल भारत में जाकिर नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप में केस दर्ज है। गिरफ्तारी के डर से वो 2016 में मलेशिया भाग गया। जून 2017 में कोर्ट ने नायक को अपराधी घोषित किया था। उस पर मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीन के लोगों की भावना आहत करने का आरोप है। मलेशिया में नायक ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हैं। पिछले दिनों इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नायक ने इस्लामाबाद में कृष्णा मंदिर तोड़ने का समर्थन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान अपनी राजधानी में श्री कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए पैसे देकर पाप कर रहा है। उसने कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम पूजा स्थल के निर्माण में दान नहीं कर सकता है। खैर, अब यह साफ हो चुका है कि नए भारत के दबदबे के सामने भगोड़ा और आतंकी जाकिर नायक अब ज्यादा वक्त किसी की शरण में नहीं रह पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहे वीकी न्यूज। नमस्कार।